हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप मेरी कंफ्यूजिंग दूर कर दो। क्या क्या कंफ्यूजन है? मुझे ये नहीं समझ आती। मान ले कपिल, मेरे को चोट लगी, हाँ। मैं चिल्लाऊंगा कि तू, आप, बस बात खत्म। मैंने देखा है बॉल लगती है बैट्समैन के पैर पे, हाँ। और चिल्लाता है बॉलर और एम्पायर को पूछते हैं क्या हुआ। अरे जिसको चोट लगी उसको बेचारे को पूछो। चाचा जी आपको पता है कुछ क्रिकेट का? आ गए आप मुंह उठा के। हाय हाय, मेरे को नहीं। जिसको गाने का पता है उसको क्रिकेट का नहीं पता। ये सेम होता है। क्या सेम होता है? देखो क्रिकेट में भी भागना होता है, गाने में भी भागना होता है। है? गाने में कहाँ भागना होता है? बेटे तू गाता है सुर में। तेरे को आती है बातें, कभी मेरे जैसा घास स्टेज पे, फिर देख जब मारने आते तो कितनी तेज भागना पड़ता है। अर्चना जी मेरा शो था, ऑडियंस ऐसे खचाखच भरा हुआ था हॉल, मैं गा रहा था, उनको किसी को पता चल गया होगा कि ये बेसुरा आदमी है किसी को। वैसे तो 2-3 घंटे जब मैं गा लेता हूँ बाद में पता चलता है, उस दिन पता नहीं कैसे पता चल गया। मारने के लिए आ गए मेरे को, मारना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या, देखो पहले 5 मिनट तो मुझे दर्द हुई जो सच्चाई है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। लेकिन मैंने एक चीज वहां से सीख ली। क्या? कि पहले मिनट में बेहोश हो जाना चाहिए। पता क्या था? जब चिल्लाना शुरू करना, बचाओ बचाओ, और मारते हैं। अरे क्या है? मैसेज आ गया। क्या? किसका? सचिन तेंदुलकर साहब का। क्या लिखा है? कहते ये जो आदमी टीवी पे आ रहा है इसको निकालो, मेरे बच्चों ने टीवी देखना। नहीं, मैं इनका फैन हूँ, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। उन्होंने आपके बारे में लिखा है। अच्छा इनको नहीं। अच्छा वो जिस दिन शो था वो चीफ गेस्ट, उन्होंने सुना होगा। फिर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, उनको बोल देना मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप हमेशा जीते रहे हमारे देश के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाजी मैंने एक चीज देखी है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं स्पेशली हमारे शो पे, बहुत बार ऐसा हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को मिलने का मौका मिला। इन लोगों में ना आपस में एक तो खुले बहुत होते हैं, कोई डिप्लोमेट आंसर नहीं होता इनका कोई, है ना। और जो जूनियर होते हैं वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जो सीनियर होते हैं वो जूनियर से प्यार बड़ा करते हैं, तो एकदम फैमिली की तरह होता है। सो आपको मैं आपके कुछ फेलो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स दिखाऊंगा। बस ये है कि उनके बचपन की पिक्चर्स हैं। अच्छा, आपको पहचाननी है कौन है, दिखाइए जरा। अजिंक्य राणे, वो कराटे करता था। करेक्ट आंसर। और शक्ल से भी तो लग रहा है। और दिखाइए। ये तो मुझे अनिल भाई लग रहे हैं। कौन? हाँ ये अनिल कुंबले सर हैं। और दिखाइए। ये कौन है? ये माँ क्या ही पहचान क्या ही पहचानूंगा। ध्यान से देखो, पहचान जाओगे। वैसे शिखर भाजी गौर करो आप। बहुत पहले के दादा आप, पहले की बात नहीं है। बात ये है कि बच्चे के नैन नक्श जो होते हैं सारी उम्र रहते तो वही हैं। मूछ दाढ़ी आ जाती है वो अलग बात है, पर ध्यान से देखो कौन है। मिष्टी दोही जैसा बच्चा। दादा सौरभ। हाँ ये सौरभ गांगुली साहब की फोटो है। हाँ अब लग रहा है ना दादा, क्या बात है। क्योंकि लैंडलाइन तभी आते थे जब वो बच्चे थे। जब पृथ्वी बच्चा था तब तो मोबाइल शुरू हो चुके थे। और दिखाइए। राहुल भाई की एक्चुअली मैंने देखा, मैं कभी पर्सनली कभी नहीं मिला, पर मैंने देखा वो बचपन में और जब बड़े हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं है, नैन नक्श सेम ही उनके बिल्कुल। और दिखाइए। इरफान के साथ, ये तो इरफान भाई हैं, उनके साथ कौन है? शुभमन गिल लग रहा है। हाँ करेक्ट आंसर, शुभमन गिल। पृथ्वी ने एक को भी नहीं पहचाना। मैं बोलता हूँ शुभमन गिल अपनी दुनिया में मस्त है अपनी। और दिखाइए। बुमराह। और शुरू से बुमराह देख पूरा। और दिखाइए। आंख मार रहा किसी को। ये कौन है? ये इसी आंखों से कौन देखता है? ये वो बच्चा है कि अगर इस बच्चे का नाम नहीं रखा जाता तो मेरा भी ना होता नाम। कपिल। ये कपिल पाजी है। अच्छा जी वाह यार, बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को। वी लव यू कपिल पाजी। और दिखाइए। विराट जी। सेम जैसे राहुल द्रविड़ वैसे विराट भी देखो। विराट यस है ना। और दिखाइए। हैं? रोहित है? नहीं। हाँ? ये कौन है? सहवाग। ये वीरूपा जी हैं? वीरूपा जी। वीरेंद्र सहवाग। ओहो वाह, बड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ लग नहीं रहा ना बिल्कुल भी। क्या बात है। और दिखाइए। ये बताओ। नेक्स्ट बड़े। You know और we have to tell? ना। No? कान से शास्त्री अजीता कर का? नहीं। ये हमारे स्टार करेक्टर युवराज पाजी हैं। ओ युवी पाजी हैं? या युवी पाजी हैं। हाँ क्या बात। ये तो पता है। अर्चना जी, इंसान खाने के लिए भागता है। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, इसमें खाना भागेगा और आप पीछे पीछे भागोगे। खाना भागेगा तो प्लीज लेके आ जाए जरा। शिखर पाजी ये देखो, ये आइटम आपने कभी देखी पहले? ये क्या है यार? अच्छा खाना, ये सिल्वर फॉइल में कुछ खाने की चीज लिपटी हुई है। पाजी देखो आप क्या क्या करवा रहे हैं आप दोनों से। युगांडा के महाराज लग रहे हैं आप। तो शिखर पाजी, हाँ जी, आपको काला अंगूर खाना है। चलो हाँ करो, कैसे खाओगे? यार मेरे सर मेरे तो आ ही नहीं रहा। ओके पृथ्वी, अब आपकी बारी। आपको बेर खाना है। यार पहली बार आया पृथ्वी, तंग नहीं करता। चलो बेर कैंसिल कर देते हैं, काले अंगूर खा लो। अरे चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। एक मिनट आएगा आएगा आएगा। बट यू नो व्हाट शिखर डिड ना? शिखर में एक्सपीरियंस है। इस चीज में एक्सपीरियंस। रुक। मेक इट मूव फ्रंट एंड बैक। टच नहीं कर। यार ये गलत बात है। पारी चीटिंग की है। कैमरे में दिख गया? हाँ दिख गया। हमारे यहाँ भी चारों तरफ कैमरे लगे हैं। ओके शिखर पाजी, हैं खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, कहते मैं ये खाऊंगा। ये तो आपने निशाना बांध लिया पूरा। ओके चलो ये खा लो, आपकी मर्जी। ग्रीन कैंडी है ना? ग्रीन कैंडी वाला धागा बहुत छोटा है। ओले वो आपस में जुड़ गया। अंगूर और कैंडी दोनों साथ साथ। धागा छोटा नहीं है ना? ग्रीन वाली वही कैंडी जो आपने बोली थी। गया पीछे। हमारे विलन है ना रंजीत साहब, उनके एक्सप्रेशन दिए शिखर ने, कहा था टच किया। हमने बोला था टच करके तो ठीक है। पाजी ठीक है, दो बार ट्राई किया, दोनों बार ही जीते। उसने एक बार किया पृथ्वी ने, वो भी चीटिंग। पृथ्वी अब जेन्युइनली स्ट्रॉबेरी खानी है आपको। ऑन योर राइट। थैंक यू पाजी, बहुत सीनियर प्लेयर ने बहुत दिल से खेला, छोटे ने थोड़ी चीटिंग करी है। धन्यवाद। ये उतारना भी है पृथ्वी। तो दोस्तों नया साल आ चुका है, हर कोई बंदा एक रेजोल्यूशन लेता है, इस साल मैं ये करूंगा, मैं जिम करना शुरू करूंगा, या मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा, या मैं ये करूंगा। पृथ्वी आपका कोई रेजोल्यूशन है नए साल को लेकर? अभी तक तो सोचा नहीं है कुछ। एक साल और बड़े हो जाओ। I mean, जैसे शिकी भाई कर रहे, I think मैं भी आगे जाके ऐसे ही कुछ करूँगा, you know, लोगों की हेल्प जितना कर सकूँ। Nice. God bless you, bro. और हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, आप लोगों का कोई रेजोल्यूशन है नए साल का? आप लोग? जी मैम। Hello Kapil sir. Hello जी. Hello everybody. It's really really nice to be here. Thanks. मेरा नाम रागिनी है और मैं लंदन से आई हूँ। Oh my God. और मैं आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। But specially yours. मैं एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हूँ, बच्चों की साइकाइट्रिस्ट। अच्छा जी। So मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है आपका शो देखना। Thank you ma'am. So I'm very very grateful for that. शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मुझे साइकेट्रिस्ट पता है, पर ये बच्चों के लिए भी साइकेट्रिस्ट होते हैं? हाँ जी। माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? क्या ऐसी हरकतें करता है बच्चा? मेरा सबसे सुपर स्पेशलाइजेशन है ऑटिज्म में और ADHD में, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन में। तो अवेयरनेस लोगों में अब बहुत है, डिप्रेशन और ये सब पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ है अब। सो पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस है और मैं सिर्फ लंदन, I mean लंदन और यूके के बच्चे नहीं देखती, पूरे वर्ल्ड के देखती हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर। सो या दैट्स व्हाट आई डू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। जी थैंक यू। सो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरा डॉग, मेरे हस्बैंड सारे परेशान हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूँ, so that मैं दूसरों को opportunity दे दूं घर में बोलने की। and obviously बाहर तो different ही है, but घर में। आपको लगता है इसमें आप कामयाब होंगी? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने realize किया। हाँ। आपके husband ने? नमस्कार सर। जी नमस्कार शिखर भाई। हेलो। I'm big fan of yours and Prithvi. Doing very good job. मेरा नाम राजेश है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अच्छा जी। और जैसे आपने बताया कि मेरा न्यू रेजोल्यूशन है इस साल का कि इनका जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। Thank you and I wish it was। अभी तो शुक्र है डॉक्टर हैं, घर से बाहर भी जाती हैं। तो आप लंदन में कहाँ रहते हैं आप? हम लंदन में नॉर्थ लंदन, चिकवेल। ओह वो जो बाएं मुड़ के। हाँ जी हाँ जी। Very good. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया आपसे मिलके। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? या हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं सीए अमित बंसल। सर मथुरा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे अपनी वाइफ का वेट कम करना है। क्यों कम करना है आपको? क्योंकि उनका वेट मेरे से ज्यादा है। अच्छा, हो सकता है आपका ही कम हो। पर मेरा बढ़ता नहीं है ना। आपका बढ़ता नहीं है? मेरा बढ़ता नहीं है तो उनका ही कम करा जाए, ये रेजोल्यूशन है। तो ये तो आप थोड़ी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, वो तो वो लेंगी अगर लेंगी तो। आप कैसे कम करेंगे मेरे को बताओ? उनका डाइटिंग, उनका एक्सरसाइज और दूसरा क्या है उनकी रेस्ट्रिक्शन बहुत है मेरे खाने पे। तो आप इतनी सारी चीजें उनका ध्यान रखेंगे तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जो अपने आपने ग्राहक पकड़े होंगे 31 मार्च भी आने वाली, वो कौन करेगा फिर? अच्छा पूरा। अच्छा आपकी वाइफ साथ ही आई हुई है? यस सर। हेलो हेलो जी, कैसी हैं आप? हेलो सर। इतनी तो प्यारी लग रही है, खामखा आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छे लग रही है सर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने के लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी खाना बनाती हूँ। बट वही है कि है ना, इनको कुछ खाना नहीं है और इनको लगता नहीं है खाना। अब जितना मैं खाती हूँ उतना ही ये खाते हैं। अब इनको नहीं लगता तो मेरी क्या प्रॉब्लम? एग्जैक्टली। और कुछ कहना भाई साहब? अब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरा तो वैसे भी बोलना बंद बनता है। तो आप अगर उनकी बात ही नहीं काट सकते, वजन कैसे काटोगे? ये बताओ। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन नहीं लेते, ये तो रेवोल्यूशन कर दिया आपने। आपकी वाइफ को जो करना है वो खुद सोचेंगी। आपको अपने में क्या चेंज चाहिए वो बीवी को बता दो, वो करवा देगी। वो उनमें दैवी शक्ति होती है। आप तो भूल जाओ, आप अपने क्लाइंट्स पे ध्यान दो भाई साहब। हाँ, सबकी इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइम पे भरवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। अबे मेरी एंट्री थी, मेरे को ही छोड़ के आ गए तुम लोग यहाँ पे। खैर एनीवे, हाय कैसे आप लोग? इसने पूछा ना कि हम लोग अरे वेरी क्यूटी विरार से ना, विरार से मैं नाला सुपारा से। क्या बात है सपना, तूने बताया नहीं उन सबको क्यों लाई है साथ में? एक्चुअली हम लोग CCCI से हैं, क्यूट चीयरलीडर कमिटी ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय राजू ऑटो रिक्शा सर्विस एंड को पावर्ड बाय जहांगीर झटका मीट शॉप। खैर एनीवे तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, हमको चीयरलीडर का जॉब लेने का है, ठीक है? नारे लगाओ, हमारी मांगे भर दो तुम्हारी बातों। यहाँ मैट्रिमोनियल से तेरी फूफी बैठी है जो भर दो। और कितनी बार मांग भरवाएगी अपनी? 4 बार भरवा चुकी है। भरौली कहीं की। तेरे जैसी चेयर लीडर हो ना, हाँ तो शिखर सारे छक्के तेरे मुंह पे ही मारे, और बॉल ना भी आए बैट छोड़ के मारे तेरे मुंह पे। कितनी प्यारी लड़कियां लग रही है देख बीच में। चलो तुम लोग जाओ, मेरा और काम खराब करोगे। चलो तुम लोग पीछे। अरे जाना, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? खैर क्या बात है, आज 2 सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। वाह वाह वाह, कैसे आप? बहुत। खैर मेरे को जानने का था सर, आप लोग दोनों ओपनर हैं, तो आपकी टीम में ढक्कन कौन है? सपना तूने डिस्टर्ब कर रही है, हम लोग इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा हाँ, अरे आप लोग इधर सज धज के इंटरव्यू कर रहे हैं, उधर वो हरभजन पाजी ने सन्यास ले लिया है। आप लोग प्लीज उनके साथ कोई तो हिमालय पे जाओ, कौन उनको संभालेगा? अरे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने खाली क्रिकेट खेलना छोड़ा है। अच्छा तो हाँ। फिर अभी वो क्या खेलेंगे कप्पू? मुझे क्या पता। तब तेरे को कुछ भी नहीं पता तो इनका इंटरव्यू कैसे लेगा तू? कमाल करता है यार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं जब भी इनको देखती हूँ ना, मेरा छावा है ना मुकेश, मेरे को उसकी बहुत याद आती है। वो भी इनकी तरह स्टाइल रखता है? नहीं, वो भी इनकी तरह जेंट्स है ना। खैर मेरे को एक और चीज पूछनी की थी सर आपको। आपके टीम में वो भी है ना, वो लड़के का नाम है शार्दुल ठाकुर। हाँ शार्दुल ठाकुर। हाँ तो उसकी और आपकी तो कभी भी नहीं जमती रहेगी ना सर? क्यों? अरे ये गब्बर है, वो ठाकुर है। सपना कोई काम की बात क्यों नहीं करती तू? हाँ मेरे को ना सर चेयर लीडर का जॉब दो ना मेरे को प्लीज। मेरे को कभी की है तूने चेयर लीडिंग? पैदा तो मैं औरत भी नहीं हुई थी, तूने मेरे को बनाया ना औरत। तूने आज तक कभी क्रिकेट खेला है सपना? अरे क्रिकेट खेला है, हमारा नाला सोपारा में वो वुमेन क्रिकेट लीग है, ये देखो उसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरा। 1 ओवर में 50 रन का रिकॉर्ड है। 1 ओवर में 50 रन को कैसे बना सकता है? हाँ। अरे जिसने बनाया अब उससे पूछ, मैं तो सिर्फ बॉलिंग कर रही थी। कमाल है ये भी ना बाबा। सपना तेरा बहुत हो गया, अब तू निकल यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा मसाज के बिना तो जाऊंगी नहीं। हमारे पास आपके लिए सिक्सर मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है अर्चना जी, एक कस्टमर आता है, हाँ। फिर हम लोग कपड़ा उतर के तेल वेल लगाते हैं, हाँ। जैसे हम उसका मसाज चालू करते हैं ना, उसको ऐसा दौरा आने लगता है। फिर मैं उसको ग्लूकोज चढ़ाती है और फिर उसके मुंह में गोली डालती है, और जैसे डॉक्टर आता है, डॉक्टर पूछते हैं इसको क्या हुआ, मैं बोलती है ही इज सिक सर। खैर मैं चलती सर, मेरे जाने का टाइम है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पास इधर मसाज कराने। वो आपके वो आए थे महिला जयवर्धनी। अच्छा हाँ, तो वो जाते जाते ना अपनी महिला भूल गए। बाप रे, अब वो महिला मैं महिला, रोज झगड़े हो रहे हैं हमारे। और उनको वैसे भी ना उधर क्लब विलब में जाने का बहुत शौक है, हाँ तो क्लब में अभी उनकी क्या सोलो एंट्री हो नहीं रही, क्योंकि महिला नहीं है ना साथ में। पृथ्वी थैंक यू सो मच ब्रदर। शिखर पाजी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा ही मजा आता है, और इस बार आप पृथ्वी को भी लेके आए साथ में, बहुत मजा आया। थैंक यू, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके आने वाले तमाम मैचेस के लिए। आप ऐसे अच्छा खेलते रहो, हमारे देश का नाम रोशन करते रहो। लव यू बोथ। थैंक यू कपिल, थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हर घर दस्तक के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नए वेरिएंट से सतर्क रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, बाजारों में भीड़ ना करें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।